नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रहलाद लोधी की विधानसभा से सदस्यता बहाल करने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर लोधी के अधिकार बहाल किए जाएं। बता दें कि बार बार विधानसभा अध्यक्ष के समय मांगने के बावजूद भी समय नहीं मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव आज सुबह अचानक उनके घर मिलने पहुंच गए थे। दोनों में काफी देर तक प्रहलाद लोधी की सदस्यता पर चर्चा हुई। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि उन्होंने लोधी की सदस्यता बहाल करने की मांग की, जबकि कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल पाया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैं संविधान के दायरे में काम करता हूं, स्टे मिलने से सदस्यता बहाल नहीं हो जाती। मेरे ऊपर आरोप लगाने से मैं दुखी हूं, सभी विधायक मेरे लिए एक समान हैं। वैसे मैं मान के चलता हूं कि अध्यक्ष महोदय किसी पार्टी के नहीं होते, वो हम सब विधायकों के संरक्षक हैं। हम विधायकों का कोई मुख्यमंत्री या मंत्री संरक्षक नहीं है। हम विधायकों का संरक्षक कोई है यदि तो वो विधानसभा के अध्यक्ष है, और मैं इसलिए अध्यक्ष महोदय से यही अपेक्षा करने आया हूँ कि आप किसी दल के नहीं हैं, किसी पार्टी के नहीं हैं, और यदि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उनकी सजा जो है उसको निलंबित कर दिया है, उसको रोक दिया है, तो उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में वो न्याय दे और उस सदस्य के लिए बैठने की अनुमति दे। जो कोर्ट ने सजा सुनाई उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसी क्षण सदस्यता रद्द हो जाती, उसी क्षण। ये अध्यक्ष का फैसला नहीं है, ये कोर्ट ने सजा दी है, अध्यक्ष ने नहीं दी, ना अध्यक्ष ने सुनवाई की है। जब कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट का नियम कि उसी क्षण सदस्यता निलंबित हो जाती है, रद्द हो जाती है, तो मेरे पास कम समय नहीं। 30 तारीख को निर्णय हुआ, 31, 1, 2 तारीख की शाम को 6 बजे निर्णय लिया है, 3 दिन देने के बाद। तत्काल नहीं लिया है, मैंने वैसा निर्णय नहीं लिया है कि राकेश चौधरी का 6 घंटे के अंदर निर्णय हो जाए और कल्पना पारूकर का 4 घंटे के अंदर हो जाए। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं संविधान के दायरे में हूँ, और ये जो एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं बिल्कुल निरर्थक है। माननीय नेता प्रतिपक्ष से 100% उनका मेरे पास फोन आया, मैंने दोबारा उनको फोन लगाया, हमारी चर्चा हुई कि ये स्थिति पैदा हुई है,